तो गाइस स्वागत है आप सब गाइस कोरोना वाले ब्लॉग के अंदर। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक लड़की जिसके पास ना लाइसेंस है ना घोड़ा। क्या बोल रहा हूँ मैं? बंदूक क्या होता है? क्या बंदूक? बंदूक लाइसेंस है ना घोड़ा, ना घोड़े का है लाइसेंस। वाओ माय गॉड, दिस इज राइडिंग। एनीवेज हम लोग खरीदने जा रहे हैं आज एक हेडफोन। तो हम लोग खरीदने जा रहे हैं, वो सामने जा रही है महिला, मतलब बच्ची है वो, हमारी छोटी बहन है, तो उसके लिए हम हेडफोन खरीदने जा रहे हैं। तो आइए आप लोगों के साथ हमारी दुनिया शेयर करते हैं। यो कैमरामैन डिफेक्टों के साथ, थोड़ा डिफेक्ट है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हेडफोन खरीदेंगे बिना डिफेक्ट के साथ। लेट्स गो। अगर आपको मेरी शक्ल नहीं पता तो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा मार फटा के। जा रहे हो वैसे हेडफोन लेने जा रहे हैं, पर कौन सी दुकान पे जा रहे हैं? मैंने तो सोचा था जहाँ दिखेगी रोक लेंगे, नहीं दिख रही है। गवी कहाँ जा रहे हैं? गवी दूध की डेयरी पे पूछ तो। आपके पास हेडफोन है क्या? इनको बोलना कान का मेल साफ करके दे। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं एडजस्ट हमारी पैंट। कुछ समझ नहीं आ रहा कौन खड़ा है। और ये लेके आए हैं हमारे, आपको इसकी शक्ल आपने कहीं देखी होगी आपके कमरे के कोनों कोनों में, आपने कहीं गेहूं रखे हो या आपके रसोई में आसपास आपने कुछ आपके कुछ नुकसान कर दिया होगा। नुकसान कर दिया होगा, ये उन्हीं से मिलती जुलती है। हम बात करें इनकी, ये आपको कहीं भी मिला तो हमें तुरंत फोन करिए। क्या सीन चल रहा है? अगर हम रिकॉर्ड कर पाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे हम कौन से हेडफोन्स खरीद रहे हैं। और अंकल हमको देख के फट रही है क्योंकि चूहे लोग थोड़े डरपोक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक सच्चाई बताते हैं, कभी भी आप हेडफोन्स लेने जाओ अपना बजट, एग्जैक्ट बजट मत बताइएगा। और अगर क्योंकि आपको MRP से 5,000 रुपये ज़्यादा मांगे जाएंगे। 1,000 नहीं 2,000 मांगे तो कभी भी आप हर प्रोडक्ट की MRP चेक करें और उसके बाद अगले की नियत चेक करें कि वो बेचना कैसा चाहता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में अपना वॉलेट चेक करें कि पैसे भी है कि नहीं है ना बेटा। कहाँ चल रहे हो? पैसे हैं बेटा हैं। तो अभी आपको पूरा ब्लॉग ये मास्क में दिखेगा क्योंकि सेफ्टी सबसे जरूरी है। चलो अब हम जा रहे हैं दूसरी दुकान पे और वहाँ चेक करेंगे हम। हमारे कैमरामैन है मिस्टर डिफेक्टो डिजायर, इनके यहाँ पे नाम आ रहा होगा। ये नहीं निकल रही, इजी है, इजी तो था, सही इजी था। बोल रही है अब कहाँ जाना है? यूँ जन्नत 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 का जन्नत जुबेर का फोटो लगाना। वैसे अब जैसे बड़े भाई हैं अपन तो अपन यू भी नहीं कह सकते मुझे नहीं पता। बेटा मुझे पता है कहाँ चलना है, मैं बता रहा हूँ मेरे को फॉलो करो। इस कार के 3 चक्कर लगाने हैं। अभी हमको ब्लॉग बंद करना पड़ेगा क्योंकि फोन में स्टोरेज की कमी है। नहीं है। अरे आप हेडफोन मिलेंगे पीछे जो रास्ता है ना, मुझे नहीं पता है मैं दुकान ही। सीधा सामने एक टर्न आएगा वहां से राइट। ये दिख रहा है ये एरिया पूरा दिखाना यार, यहाँ से लेफ्ट लेना है बेटा। अरे मुझे पता है रास्ता, यहाँ से लेफ्ट। अब चल बता रहा हूँ, यू टर्न मेरे लिए एक नंबर डायल कर दो ना, मैं मर जाऊंगा यार। गाइस हम लोगों को अभी फोन के अंदर गूगल मैप खोलना पड़ेगा तो हम लोग अभी ब्लॉग नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से आप चैनल का वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है? थैंक यू। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी शॉमी दुकान पे। गूगल शॉमी दुकान है बेटा, सारे दुकानों पे शॉमी लिखा होता है लेकिन दुकान का नाम हो रहा है देख। ये दुकान का नाम है, इतना सा। एक स्मोक कर दो बीच में, स्मोक कर दिया, ये स्मोक डाल दिया स्मोक ताकि ना कोई हमें देख नहीं ले। चलो हमने घूर गिर गया क्या पता। तो आपका क्या रिव्यू है हेडफोन का? तो देखो बेटा ये हमें ना 90 ये बेटा बोल रहे कैंसल। तो आपका क्या कहना है हेडफोन के बारे में, कैसे लगे वहाँ पे? अरे प्लस उसकी हेडफोन की कुशनिंग फाटे जैसे रह गए यार। तो हमको जो यहाँ पे हेडफोन्स दिखे वो बहुत सालों पुराने थे क्योंकि इनका जो नाम है वो ये है, रुक जा चुप रहे, वो है ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है, तो बस ये इनका नाम है। तो हम जाएंगे आगे दूसरी दुकान के ऊपर। और दूसरी दुकान नहीं है क्या? हाँ मेरे जेब में निकाल ले बकवास जो 5 साल पुराना जो। तो इतना घटिया जो क्यों मारते हो यार? तो पता है वो क्या नाम है उसका, सरा अली खान। तो वो क्यों दिख रही थी पता है? वो कह रही थी मत आओ मत आओ मत। फिर से इस्तेमाल करेंगे किसका? गूगल मैप का। तो अब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, हेडफोन ले लिए हमने। हमने काफी कमाल के हेडफोन लिए हैं और हमको थोड़ा सा लूटा गया लेकिन हमको लगा कि हमको नहीं लूटा गया, हमारे पास हमारे ऊपर मेहरबानी हुई। लेकिन हमको इतना परेशान किया बेटा, इतना परेशान किया तो भी वो अपन देख उनका फायदा देख। 800 रुपये की चीज़ बता रहे, हमको बोला कि 1,000 रुपये की। पर देख अगर यहाँ पे ना 800 बोलते तो यहाँ पे वो 600 लगाते, यहाँ 600 लगाते और फिर 200 ऐड करते। हाँ अपन 800 बोलते तो भी मान जाता। नहीं चल अब बोल के आते। चलो भैया देखो आपने 800 कैसे करवाए यहाँ पे। चलो अब घर जाके बात करते। तो गाइस अभी हम हैं घर पे हमारे, और जिससे पहले वाली क्लिप थी वो हमें नानी के यहाँ पे गया था
हमारी बहन को हेडफोन दिलाने हैं, उसके बाद अब वापस घर जाते हैं। ये थोड़ा अलग दिन है, और आज है संडे और कल है राखी मंडे, तो हैप्पी रक्षाबंधन जिस चीज को भी राखी, मतलब वैसे मनाली होगी, राखी के बाद डालूंगा वीडियो। आई होप सबकी राखी अच्छी गई हो। अभी हम ना के रेडी हो चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं मेरे आंटी के यहाँ पे, और उसके बाद कल जाएंगे नानी के यहाँ पे, मनाएंगे राखी और बहुत ज्यादा मजा करेंगे। और मेरे दिमाग में एक प्लान है, एक आइडिया है, तो देखते हैं भाइयों को सुनाते हैं। ये भी एक भाई है, और ऐसे थोड़े बहुत और पीस हमारे पास पड़े हैं अलग अलग साइजेस में, और देखते हैं कि कैसा जाता है ये आइडिया। और अगर नहीं गया तो ये वाली क्लिप नहीं लगाऊंगा मैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मास्क पहनना जरूरी है, हमें तो मास्क पहन लिया। चलो चलो माँ, ओ मास्क गिर गया, सॉरी। बाय बाय बोल दे, फिर ब्लॉग के अंदर वापस मिलेगा तो थोड़ी देर बाद। हाँ, थोड़ी देर बाद मिलते तो बाय। तो इससे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो अब आपको एक यूट्यूबर से मिलाने वाले हैं। 3, 2, 1। हेलो। हेलो। मेरे पास एक बहुत ही अच्छा प्लान है। हमारी बहन ऊपर नाखून लगा रही नकली अपने हाथों में। रात को जो हमें राखी बांधेगी ना, हमसे उसकी थाली में पैसे लगते ना, चारों भाई 1 रुपए रखेंगे और हंसेंगे, कुछ भी कुछ देंगे, मतलब पूरा उसकी राखी बन जाएगी। कैसा लगा? मस्त प्लान है। जीजी की शक्ल लेके आ जाए वो तो वैसे भी आ जाएगी ना, 1000 रुपए देके तो भी आ जाएगी। ये हमने दे दिया उसको गिफ्ट पहले 5 साल पहले, ठीक है। उस दिन हम, ये इसी ब्लॉक का है, हमारी तरफ से गिफ्ट है, ठीक है। क्या हुआ बेटा, कैसी है? और जीजी और दिखा दे नकली नाखून, हाथ यहाँ दिखा इस ब्लॉग में दिखा। सुनना नहीं क्या होता है ये, चुड़ैल का साउंड लगा दूंगा। हमने नकली दिख रहे हैं। हाँ यार, ब्लॉग करना भूल गया, लेकिन अभी क्या हुआ था समझाएगा, समझा फटाफट। देखो हमने ना एक कॉम्पिटिशन रखा है इनका और मेरा, गाना हमने दोनों ने रैप बनाया, तो हमने सोचा आज हम फ्री बैठे आज हम बनाते हैं, तो हमने रैप सॉन्ग बनाया, दोनों ने बनाया और खुद लिखा लिरिक्स, और कोई भी नेट पे बीट थी उसके ऊपर चला दिया। अभी कॉपीराइट आएगा तो कोई बात नहीं, हम कॉपीराइट साइन कर लेंगे, लेकिन आपको सुनाएंगे। तो सबसे पहले सुनेंगे हम इनका रैप सॉन्ग शुरू से चला। सुनने तो दे रिकॉर्ड से, उन्होंने बोला अब ये तो शुरुआत है, कर पहले काम तू कॉर से, अभी तो बहुत लगा नहीं बेटा तुझे दौड़ है, तुझे करनी है मेहनत, देश के बात ठान ले, घबरा तो तू एक अच्छी सी सांस ले, काम कर बेटा तू थोड़ा हट के, ताकि सफल हो तू बेटा पट से लगा ले, आया ना था व्यू भी थोड़ा, जिसने पूरे वीडियो बनाए डेट वाली मैंने, और हेटर्स जो थे उनको पूरी दिखाए, फिर मन में थी लगन थी ना कोई भी शर्म, सोचा यही है क्या बात है यार, शुक्रिया करना यही है क्या शुक्रिया, क्या बात है पता नहीं क्यों नहीं करा, मैंने काफी टाइम बाद इंतजार किया, वेरीफाई होने का कब था मेरा नाम मेरे का। तो कैसा लगा आप लोगों को हम दोनों का रैप बैटल? तो कौन है हम दोनों में से विनर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो विनर है शुभम से, मेरे हिसाब से लिरिकली विनर ये है। क्या समझते हैं आप? अब ऑडियंस में छोड़ देते हैं, जो 5-25-30 लोग देखते हैं अपना, तो अब स्वागत है। उन्होंने मेरे को इतना लेट स्वागत करा ना, आज हम हमारी जो प्यारी बहन है उसको ये देंगे राखी पे, ये देंगे हम उसको। अरे यार हाथ घुसे दो पूरा अंदर गवी को, और काफी खुश हो जाएगी वो। शुरू करते हैं, और ये रहा हमारा सेटअप पूरा, यहाँ पे बंदे की राखी सेरेमनी।